चलिए रुकेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें बड़ी जानकारी बड़ी खबर इस बीच आ रही है पंचकुला से। पंचकुला पहुंचे सीएम मनोहर लाल जी। हां सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री। गणदेव कंबोज की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन जो है वो हो रहा है और पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक जो है फिलहाल जारी है। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित यहां पर किया गया। बैठक में कई सांसद विधायक शामिल हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक पंचकुला में सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। और बता दें आपको कि ओबीसी मोर्चा की बैठक जो है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। पगड़ी पहनाकर शॉल ओढ़कर उनका स्वागत जो है मंच पर किया गया। कर्णदेव कंबोज की अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो हो रही है। जानकारी आपको यहाँ पर दे दें पंचकुला से पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक जारी है। जानकारी आपको यहाँ पर दे दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है। बैठक में कई सांसद और विधायक शामिल हैं। ये बड़ी खबर पंचकुला से आ रही है। पंचकुला पहुंचे हैं सीएम मनोहर लाल। उमंग चौहान हमारे साथ सीधे जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। उमंग बैठक शुरू हो चुकी है ओबीसी मोर्चा की, मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला के सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज भाजपा की ओबीसी मोर्चे की जो बैठक है शुरू हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे हैं। साथ ही हरियाणा के खेल एवं युवा कार्यक्रम राज्य मंत्री संदीप सिंह भी पहुंचे हैं। सांसद रतनलाल कटारी संभाले से लोकसभा सांसद है। साथ ही ओबीसी मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कर्णदेव कंबोज पूर्व मंत्री रहे हैं, वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चे के डॉक्टर के लक्ष्मण वो यहाँ खुद मौजूद हैं। तमाम जो पदाधिकारी हैं मोर्चे के, तमाम सदस्य हैं जो कार्य समिति के, वो इस बैठक में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, एजेंडे क्या कुछ यहाँ पर ओबीसी मोर्चा के इस बैठक के रहने वाले हैं उमंग, और क्या कुछ रणनीति जो है वो यहाँ पर बनाई जाएगी आज इस बैठक के जरिए? देखिए मैं आपको बता दूं कि क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी काफी सदस्य इसमें शामिल हुए हैं, तो ऐसे में यहाँ पर बैठक में जो संगठन है उसको मजबूती को लेकर, खासतौर पर जो इनका ओबीसी मोर्चा है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए और उनकी भूमिका किस तरीके की रहेगी आने वाले चुनाव को लेकर, उन तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही ओबीसी मोर्चे में उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है या उनकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उसको लेकर भी यहाँ चर्चा की जा रही है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया उमंग इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्राउंड लेवल स्तर पर जो पूरी कवायदें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं और जाहिर तौर पर आज बीजेपी ओबीसी मोर्चे के साथ ये बैठक जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और बैठक संपन्न होने के बाद क्या कुछ रहा इस बैठक में वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बैठक शुरू हो चुकी है और तमाम जो नेता हैं सांसद वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंच पर मौजूद हैं और आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक जो है ओबीसी मोर्चा की वो हो रही है।